उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राष्ट्रीय पर्व हमें अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें आत्मचिंतन करने तथा महान देशभक्तों के सपनों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बलिदान होने वालों को नमन करते हुए कहा कि ऐसे वीर सपूतों को सदैव याद रखा जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि यह स्वतंत्रता दिवस देश के लिए विशिष्ट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य को अभी हाल ही में अनुच्छेद 370 से मुक्ति मिली है। अब यह राज्य विकास की नई गाथा लिखने जा रहा है। इसके अलावा लद्दाख के हर नागरिक को भी अब नया सवेरा देखने को मिल रहा है। भारत की एकता और अखंडता की दृष्टि से प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय गृह मंत्री का ये अभूतपूर्व ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय अभिनंदनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की धरती से ही सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात देशभक्तों एवं सेनानियों से हम सभी को देशभक्ति के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की अवधारणा को वास्तविक अर्थों में साकार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए देश की सुख समृद्धि के लिए पूरी क्षमता से प्रयास करने का संकल्प लेने का आह्वान किया है।